आज हम ऑन एंड अपॉन प्रीपोजिशन में ऑन एंड अपॉन को देखेंगे। ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के लिए होता है और यह स्पर्श दिखाता है, जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। अब यहां देखें कि स्पर्श का मतलब है कि जब भी कोई वस्तु किसी सतह से स्पर्श करती हो, ऐसा बताना हो और पर शब्द आए तो अपन वहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वो वस्तु क्या स्थिर ना हो तब उस किला ने पर बोलना हो, तब वहां पर अपॉन का उपयोग करेंगे। ऑन और अपॉन दोनों का अर्थ होता है पर, लेकिन अंतर इतना ही है, एक का स्थिर के लिए किया जाता है उपयोग और एक का गतिशील के लिए। जैसे अपन यहाँ पर देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक है जो कह पर है टेबल पर है। तो यहां पर देखें कि बुक है, निश्चित है कि क्या है, निर्जीव है, एक गति तो कर नहीं सकती है, अर्थात टेबल पर कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। लेकिन दूसरा उदाहरण देखे अपन, द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। देखो तो यहाँ पे जो कैट है, बिल्ली है, इसने कै पर जंप किया, कूदी टेबल पर। यहाँ भी टेबल है, यहाँ भी टेबल है, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ जो वस्तु है वो निर्जीव है, वो अस्थिर रहेगी, और यहाँ पर जो कैट है, जो जीवित है, वो क्या, इसने क्या जो क्रिया की, वो क्या की, झेमटे यानी गति की अपॉन द टेबल, यानी किस पर, टेबल पर। तो यहाँ पर भी पर आ रहा है और यहाँ पर भी पर आ रहा है, अंतर इतना है कि एक में स्थिर का बोध करा रहे हैं और एक में अपन उसकी गति का बोध करा रहे हैं। इसलिए स्थिर के लिए ऑन का प्रयोग और गति के लिए अपॉन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अपन देखेंगे टिल एंड टू। तो देखेंगे कि टिल का मतलब होता तक और टू का मतलब भी होता है तब, या अपन इसको बोलते हैं को, लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, तक ही होगा, क्योंकि अपन जो चीजें देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, जैसे ऑन और अपॉन यानी पर होता है, इसी प्रकार यहाँ पे टिल और टू का अर्थ भी है तक, लेकिन अंतर कितना है, क्योंकि अपन देखते हैं जब भी फिलिंदी ब्लैंक खाली स्थान आते हैं तो दोनों में ये चीजें हैं, दोनों का फीलिंग एक मतलब अलग, एक सा है तक, लेकिन अंतर क्या है, टिल का प्रयोग समय यानी टाइम को प्रदर्शित करने के लिए होता है और टू का प्रयोग स्थान प्लेस प्रकट करने के लिए होता है। जैसे अब आप उदाहरण देखेंगे आपको क्लियर स्पष्ट समझ में आ जाए, ही वर्कड टिल 6 PM, I worked till 6 PM, I यानि मैंने वर्क डाने काम किया, टिल आने तक, 6 PM आने 6 बजे शाम तक किया। तो यहाँ पे जो टिल का मतलब है, यहाँ तक बता रहे हैं कितने तक किया है, 6 तक, यहाँ टाइम का बोध हो रहा है। लेकिन सी वर्कड टू द चर्च, यहाँ पे इसका हिंदी मतलब होता है वह चर्च के पास गई, सी वॉकड टू द चर्च, या अपनी अपने हिंदी भाषा में बोले तो सी वॉकड टू द चर्च, यानी वो कहाँ तक गई, चर्च तक। तो यहाँ भी तक है और यहाँ भी तक है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम 6 तक हुआ, 6 PM तक वर्क हुआ, और यहाँ वॉक जो क्रिया हुई वो कहाँ तक हुई है, चर्च तक हुई। इसलिए यहाँ पर प्लेस है और यहाँ पर टाइम है, टाइम के लिए टिल और प्लेस आने स्थान के लिए अपन ने टू का प्रयोग किया। अब देखिए इन एंड विथ इन, इन और विथ इन दोनों का मतलब होता है मैं, लेकिन अपन को देखना है इनमें अंतर क्या है। इन का प्रयोग आज जैसे अपन ने जो हमने आर्टिकल प्रीपोजिशन डाले थे इन में, वो अपन देख ही चुके हैं, तो अपन देखेंगे इनका प्रयोग तब होता है जब कोई कार निश्चित समय के अंत में हो, जबकि विथिन का अर्थ है समय से
पहले। जैसे अब आप उदाहरण देखेंगे दोनों का मतलब होता है इन, लेकिन क्या है, सी विल कम बैक इन द इन एन आवर। तो यहां पे मतलब होगा सी विल कम बैक इन एन आवर, तो इसका मतलब है कि वह एक घंटे में आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब फीलिंग समझे, इसका मतलब वो सी विल कम बैक, वो वापस तो आएगी, लेकिन कब, इन एन आवर यानी एक घंटे के बाद, यानी वो पहले नहीं आ सकती। अपन बोलते हैं कि वो एक घंटे में आ जाएगी या आ जाएगा, तो यहाँ पे सी है ना, आ जाएगी। तो लेकिन इनका प्रयोग ये बताता है कि वो कब आएगी, एक घंटे के बाद ही आएगी, यानी पहले नहीं आ सकती किसी भी हालत में, इनका प्रयोग है। यदि इसी का इनकी जगह अपन विथिन का प्रयोग कर दें तो इसका मतलब ये हो जाएगा वो एक घंटे के पहले आ जाएगी। अब यहाँ दूसरा उदाहरण देखें, जैसे आई शैल रिटर्न, आई एन मैं शैल अनगा रिटर्न एंड लौटूंगा विथिन एन आवर, तो इसका मतलब है मैं एक घंटे के अंदर लौटाऊंगा, रिटर्न यानी लौटाऊंगा। तो यहाँ पे देखें, जब अपन को ऐसा बताना हो कि हम कोई कार जो समय दिया गया है उसके बाद में आएंगे, पहले नहीं आ सकती, तो इनका प्रयोग, और यदि उसके पहले आ जाएंगे तो यहाँ पर अपन विथिन का प्रयोग करते हैं। अब अपन यहाँ पे देखें विथ एंड बाय, तो देखेंगे किसी कार को करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों, टूल्स, टूल्स यानी औजार होता है उपकरण, या बहुत एक वस्तुओं, मटेरियल इंस्ट्रूमेंट यानी औजार होते हैं, के लिए विथ तथा कर्ता डोनर या एजेंट के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने यहां पे देखेंगे He was killed by a rover with an axe. तो अपन यहां पे देखें He was killed. वह was killed मारा गया by a rover. अन किसके द्वारा मारा गया, डाकू के द्वारा with an axe. देखो तो यहां पे से, यहां से अपन बोल सकते हैं वह है डाकू के, डाकू से कुल्हाड़ी के द्वारा मारा गया, तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं से और यहाँ पे भी बोल सकते हैं से, लेकिन अंतर यहाँ है कि ही वाज किल्ड, वह मारा गया। यहाँ पे जो है बाई है तो कौन के लाने लिखा है, रूबर के लाने, एजेंट है ना, लेकिन यहाँ पे जो है से, यहाँ क्या है, एक्स यानी कुल्हाड़ी है यानी औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हम इंस्ट्रूमेंट और औजार के लिए यानी टूल्स के लिए विथ लगाते हैं, और जब कोई एजेंट होता है जिसने कार किया उसके लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं, ना कि विथ का। अब यहाँ पे देखें दूसरा उदाहरण, द लेटर वाज रिटर्न, जो द लेटर पत्र है वाज रिटर्न यानी लिखा गया बाई हिम, किसके द्वारा लिखा गया, उसके द्वारा, यहाँ पे एजेंट है जिसने कार किया है, हिम आने जो कैसा है, एजेंट है, लेकिन औजार क्या है, विथ अ पेन, तो यहाँ पे क्या है, टूल्स औजार है, तो यहाँ पे देखें टूल्स के लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे, और एजेंट आने करता जो कार कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसके लिए हम विथ का, बाई का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे अपन बिटवीन एंड अमंग में अंतर, बिटवीन का भी मतलब बीच में होता है और अमंग का भी मतलब बीच में होता है, तो अब यहाँ पर देखें अंतर क्या है। बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि अमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है। उदाहरण से क्लियर समझे, डिवाइड दीज एप्पल, डिवाइड आने बांटना होता है, दीज आने एप्पल आने से हो। अब यहाँ पे देखें रेनू एंड रेखा, कौन में बांटना है, रेनू और रेखा में के बीच में, तो यहाँ पे अपन ने प्रयोग किया बिटवीन यानी बीच में, तो यहाँ पे दो हैं, रेनू है और रेखा है। लेकिन दूसरा उदाहरण है जो है इसमें है,
डिवाइड दीज एप्पल, रेनु, रेखा एंड शिल्पी, यहाँ पे दो से ज्यादा हो गए इसलिए अपन ने अमंग का प्रयोग किया। तो ये ध्यान रखना, जब टोटली दो दिए गए हो तब बिटवीन का उपयोग करना है, जब दो से तीन चार या पांच तक हो तो अपने यहाँ पे अमंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुत अधिक व्यक्तियों के लिए अमंगस्ट ना तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है ना अमंग का, यहाँ पे फिर किया जाता है एसटीओ लगा दी थी, अमंगस्ट का प्रयोग होता है। जैसे अपन देखें द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट 30 स्टूडेंट, तो द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूट, बुक यानी पुस्तकें वर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटी गई अमंगस्ट यानी बीच में 30 स्टूडेंट, अर्थात पुस्तकें 30 विद्यार्थियों के बीच में बांटी गई। तो यहाँ पे अपन क्लियर होता है कि जब दो हो तो बिटवीन का, जब दो से अधिक हो तो अमंग का, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा संख्या हो तो ना बिटवीन का प्रयोग करेंगे ना अमंग का, वहां पे अपन करेंगे अमंगस्ट का, क्योंकि यहाँ पे 30 संख्या है। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें आगे की सीरीज अगली वीडियो में।